और गॉड ऑफ थंडर होते हुए भी उड़ क्यों नहीं पाता है, और इन्होंने लाइट की स्पीड भी मेजर कर दी है। पता है ये वही फर्स्ट पेंचर वाले लोग हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता इनको पढ़ते कैसे हैं, नाम भी एकदम अंग्रेजों वाला रखा है, लूसीफर मैक्स। तो आपका क्वेश्चन एकदम सही है। जहां और गॉड ऑफ थंडर होते हुए भी टेलीपोर्टेशन के लिए बायफ्रॉस्ट की यूज करता है, इसकी स्पीड 2.3 मिलियन गुना है लाइट से, जिसके हिसाब से थॉर की स्पीड तो इतनी सी भी नहीं है, क्योंकि थॉर की स्पीड ध्वनि जितनी है, वो भी आयरन मैन से कम है, क्योंकि आयरन मैन की स्पीड साउंड से 3-4 गुना ज्यादा है। वहीं थंडर की स्पीड की बात करें तो थंडर यूं ही नहीं बिजली घरों से हमारे घरों तक आ जाता है, उसे एक पाथ चाहिए होता है। अगर आप उसे तार नहीं देंगे तो वो टेलीपोर्ट भी नहीं होगा। और थॉर बिजली छोड़ सकता है, ना कि छोड़ कर उड़ सकता है। ऐसे तो ट्रांसफार्मर्स को अंतरिक्ष में होना चाहिए।